Good morning मानवी। मानवी को तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा है। सुबह सुबह उठ के बड़ा रो रही थी और उसका लूज मोशन हो गया है। लुक्स लाइक उसका जो दांत भी निकल रहे हैं। वैसे बुजुर्ग तो बोलते हैं कि दांत निकलने में 10 आ जाते हैं, किसी को बुखार भी आता है। आई डोंट नो उसके लिए हो रहा है या फिर मैंने अभी रिसेंटली ही सिमिलैक प्लस स्टेज 3 इंट्रोड्यूस किया है। आई डोंट नो उसकी चेंज हुआ है दूध, शायद उसी लिए भी हुआ है, डोंट नो। और बहुत सारी चीज़ें अभी मुँह में रखती है, नीचे गिरा हुआ चीज़ गंदगी भी जा रही है, तो पता नहीं क्या हुआ है। तो थोड़ा सा लूज मोशन हो रहा है। अभी सुबह से 2 बार कर चुकी है और मतलब शायद से दुख भी रहा होगा। तो उसको एक रोल ऑन लगा देते हैं। वैसे जैसे मम्मी लोग करते हैं कि हींग का पानी लगा देते हैं टमी एरिया में, अगर गैस वैस होता है, या फिर थोड़ा सेक देते हैं तो बच्चे को आराम मिलता है। और मैं ट्रैवल इतना करती हूँ तो कहाँ मैं हींग का पानी बनाऊँ या फिर गैस वैस का सेकूँ, तो इसीलिए मैं अपने साथ ये वाला रखती हूँ। ये है LuvLap का टमी रोल ऑन। ये एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जिसमें सौंफ, हींग और जिंजर एक्सट्रैक्ट है। इट्स बेसिकली ऑयल टाइप का सोल्यूशन है जो टमी पे लगा देते हैं। इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है और ये बेबी के स्किन के लिए सेफ है। इसको लगा देने से मानवी का अगर कुछ भी, अगर गैस हो, कोई भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो या दर्द हो रहा है, तो वो उसमें रिलीफ मिलता है। इसको मैं पहले बहुत यूज़ करती थी। जब मानवी 2 या 3 मंथ्स की थी तब उसको बहुत गैस रिलेटेड इश्यूज़ होता था, खूब रोती थी, दर्द होता था, उसको कॉलिक होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया इशू। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि अभी उसको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, दस्त आ रहे हैं, तो उसीलिए ये ऊपर से लगा देते तो अगर दुख भी रहा होगा तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। मजा आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। इनको थोड़ा सा सुला लेते हैं और फिर आगे बताते हैं। कहीं जाना भी है हम लोग, तो सो के उठ के फिर जाते हैं। वाह, सो एक नई स्कॉर्पियो आई है हमारे पास। हमने कहा ये लोनर कार नहीं है जो महिंद्रा ने दी है हमें, ये उदित की कार है। क्या मस्त लग रही है। मानवी इट्स अ न्यू कार। मानवी कहाँ आ गए हम लोग? किसका गाड़ी है मानवी? पूरा सब लोग मस्त है, फुल लोड। नई गाड़ी है। अभी दूसरा दिन है ना, तीसरा दिन है, तीसरा दिन। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे 27 जनवरी और हम लोग अभी डिब्रूगढ़ में ही है। आपको जैसे पता होगा कि हमारी गाड़ी अभी तक नहीं बन के आई है। सेकेंड टाइम पार्ट्स आया, वो भी डिफेक्टिव पार्ट्स आया। मैंने एक छोटा सा रील भी डाला था, हो सकता है आपने देखा होगा। सो अभी भी लड़ रहे हैं महिंद्रा से, दे आर स्टिल वर्किंग। तो अभी फिर से 3rd टाइम पार्ट वो लोग मंगवा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो इसलिए हम लोग अभी दूसरे के गाड़ी में घूम रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेंड है उदित और अनिंदिता, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये Z8 है, मैनुअल डीजल। सो इसमें जा रहे हैं। नई गाड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है पीछे बैठने में। 3rd रो में अच्छा स्पेस है, मतलब मानवी, फिर अनिंदिता और ये देखिए मैं भी बैठी हूँ, तो आराम से आ गए हैं। और मनीष अपना आगे बैठे हैं पैसेंजर। ये भी 4 व्हील ड्राइव है। अच्छा, 4x4 है ना ये, लेकिन एक्सप्लोर नहीं लिखा है। कॉस्केटिंग कर दिया इसमें, बैजिंग निकाल लिया पीछे से 4x4 का। दैट्स बैड। मतलब चिल्लर बटोर के क्या करेगा महिंद्रा, इसका ये कहना है। छोटी-छोटी चीजें निकाल लिया। So, हम लोग जा रहे हैं शिव सागर की तरफ और शिव सागर के पास कोई एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे एथनिक एसमीज खाना खाने जा रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है। We reached Marol Ghar, ethnic khana। वो थोड़ा बेलाघर टाइप का है क्या? बेलाघर, भेलाघर, हाँ भेलाघर। और ये जो भोराल टाइप का है वो उठा के डर हो क्या? काहे में डर है? क्या क्या खाने को मुझे देगा? खाना ही होगा ना, वो तुम लोग बोले कि मोगा होगा खाएंगे क्या? कुकुन पीपा उपा वो सब नहीं खाएंगे हम, समझे? तो वो भी मिलता है क्या यहाँ पर? मोगा आग जला रहे हैं, मोगा लेता पाए नहीं, लेता पाए और लेता ना पाए, लेता ना हो धुआं सांग। अच्छा आग के ऊपर, तो आग से क्या पकता है यहाँ पर? पता नहीं, वो सब रखते हैं बस सामान। ओके। स्मोक करने के लिए भी वहीं पे रखते हैं। पासी सब रखा है। ये तो खैर हमने अपने गांव में भी देखा हुआ है, जो मिट्टी का बनाते हैं। वो जो पासी रखा था वो बैम्बू का। हाँ। आपके ऊपर ऐसे क्या होता है, कीड़ा वगैरह? अच्छा ये वाला। आपके ऊपर रखने से वो कीड़ा नहीं पकड़ता, नहीं तो उसमें कुछ कुछ हो जाता है ना, फंगस वगैरह। सही है। ताज जमीन बैठ के खाएंगे आप, खाने सही है, पीड़ा की जरूरत नहीं है, ऐसी जमीन में बैठ सकते हैं। क्या मानवी, व्हाट्स हियर? जूई, इसको आग देख के जूई। देख रहे हो, हेड ऑफ द फैमिली इधर बैठ सकते हैं। पापा को इधर ही बैठा देते हैं, लेकिन ये वही बैठता होगा जो उधर से चूल्हे से उठा उठा के देता रहता होगा। ऐसा भी नहीं है, एक ना वो गाँव में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, उनका जो ये पीड़ा होता है बहुत बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। मतलब हमारे चाचा जब बैठे थे ना, ये सबसे बड़ा होता है, बाकी सब छोटा-छोटा। दिस इज नांगल बोलते हैं, नांगल। ओह अच्छा। इसको पकड़ता है वो, आगे में एड लगा देता है, दो गाय है ना, गाय का ऊपर लेके वो बांध देता है। ये नांगल, ये दोनों गाय, दोनों गाय है ना। हाँ। वो आगे का उसको लगा देता है, बीच में बांध देता है, ये है ना। ओके। वो ये है, वो पकड़ लेता है। ओ अच्छा, यहाँ पे उसका गला होता है ना, गाय का गला होता है। हाँ। यहाँ में जो लंबा वाला वो जो ये नीचे हल बांध देता है, हल का ये जो नांगल बोलता है। हाँ अच्छा। ये लेके पकड़ता है, एक जाता है ना, वो बस ये खोदता हुआ चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर निकल जाता है, ये लगा हुआ है लोहा। और ये जो मोई होता है ना, जब मिट्टी वही हो गया तो वही करने के लिए इसका ऊपर में बैठ जाता है। ओ अच्छा, फ्लैट करने के लिए, फ्लैट करने के लिए वही करता है, जब बीज डाल देता होगा। और ये सब क्या बना रखा है? ये मछली मारने वाला, ये जकोई, जकोई बोलता है। ऐसे मारने से मछली होता ना, वो गुजरता है, उठा के ले जाता है। लेडीज लोग जनरली यूज करते हैं। ओके, लेके जाते हैं। ये मछली जो मिला है ना, वो हमें डालता है खलोई मछली रखने के लिए, छोटा-छोटा है। ये बंसी है, देखो बंसी। ओ अच्छा, हाँ बंसी है। ये जापी, असल में जापी। सो फिशिंग रॉड इज कॉल्ड बंसी हियर। जापी, जापी जो वो खेत में वो कटे ना, नांगल लेके वो कटे ना। हाँ। तो वो कुएं लगा के बस होता है। तो खेत में कुछ भी बीज डालना है तो ऊपर, मतलब उससे टोपी टाइप है एक तरह से, धूप से बचाने के लिए है। और ये है जो है ना, ये देखा ना, ये दिस वन। हाँ। ये जो मोरना बोलता है, जो धान लेके आ गया काट के, ये सुटाल बोलता है। सुटाल में रखते है गाय, घुराता है। अच्छा, गाय उसको बांध देते, घुमाता है, घुटता है ना, जो क्या होता है, ये लेके उसको इसे उठा के ऐसे मारता है, फिर नीचे गिर जाता है। हाँ, उसका नाम तो हम भूल गया है। वो उसको जैसे थ्रेशर जो होता है उसका काम करता है लोकली। उठा के जो धान उठाया, उठा के जो धान नीचे गिर गया, तो फिर जाके दूसरा फिर वही घुराएगा। एक तरह से धान को सेपरेट करता है। ये है ना, धान का जो मुट्ठी बनाया ना, जो मुट्ठी बनाया है, ये लेके पठार से लेके आता है। और इस वाले में ये वाला ऐसा नाम किया है, तो पूरा विलेज का बना रखा है। ये तो धान दे कोया रोल नाम किया है, भार होता ना। भार ये दोनों पठार पर, ये जो पॉइंटर है, ये वही पॉइंटर है, लगा के बैलेंस करके बस लेके आता है। वो देखा ना, करेक्ट सही है। गांव का फील दिया है पूरा, गांव का फील इसीलिए ऐसा सिंबल बना के रख दिया है। इसे सिंबल। और ये भेलाघर बनाया हुआ है इसी तरह का, यही जलता है मेजिया ले जाए। वो सब पाम का वही है पत्ता, पाम का पत्ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चला रहता है रात भर यहीं बैठते हैं, घूस खाता है। चलिए बैठिए, चलिए खाते हैं। लोकल कड़ी है तो कैसा है? 100 पीस 100 पीस एपिसोड एक्स्ट्रा है। ये जुहाल है, जुहाल आलू डक ड्राई फ्राइड है। डक कैसे है वो? टमाटर होलू है, मसाला लगत होबो नि? मसाला लगत जोहाल 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 में जो है ना मिठाई लगता है जो ड्राई हो बोला। तो ये में मच्छी उसी भी जो पकड़ता है पर ये में रंग देने ऊपर में एकदम सूखना मच्छी हो जाता है, सूखा हुआ मच्छी मिलता है। यह में सब रंग रंगला होना जो पंपकिन सबकी जो होता है वो रंग देता है ऊपर में का जोहाल। हां ये टुकड़ी टुकड़ी जब टुकड़ी है तो आग जला दिया। ये जस्ट थोड़ा यही है पगघर जो है ना, पगघर का जो है ये यहाँ तो मिट्टी है। तो यूपी में या बिहार साइड में ये सब गोबर से लिपा जाता है। मिट्टी गोबर में नहीं, ये तो पूरा मिट्टी है, गोबर है। अच्छा हाँ, ये मिट्टी को हाँ करेक्ट करेक्ट। वो तो हमारा भी था गांव में, मुझे लगा पूरा मिट्टी मिट्टी है। वो मिट्टी देखिए। खाना बनानी पड़ रही, जल्दी बनाओ, भूख लगी है। हमारा खाना आ गया इधर। और ये तो इसी पत्ते पे खिलाएगा, केले पत्ता। इट्स ऑल ऑलरेडी वॉश्ड राइट, पूरा धुला हुआ। हाँ हाँ सही है। यहाँ मच्छर है देखना। आप नीचे बैठ गए, नो प्रॉब्लम। बैठ के उठक टाइम में पकड़ना होगा। लेकिन मैंने जो हुई ना चौकी में बैठ के अभी इसको मत उठाओ। हाँ ठीक है, हमको उठाओ। कौन सी दाल है? माटी दाल शायद। ओ माटी दाल। और वो ये तो नॉर्मल मसूर दाल रखो ना, मसूर। चिकन और डग ही दिया सिर्फ, डग तो बोला नहीं है ना, बोले तो हाँ क्या है कुछ बोला, मना किया था। स्टिक नहीं है एडू लाइहा, एडू रंगना लाइहा, बंधा गोभी, बीच वाला पंपकिन है ना, ये बीन्स। ओ बीन्स। तुम्हारे लिए तो जन्नत है पल्ली। पल्ली को आसामीज खाना बहुत पसंद है जो लोकल है, बहुत ज्यादा। काय की चटनी है? चना। हाँ हाँ बूट बाबा बढ़िया है एकदम पूरा। बस खाना तो अच्छा लग रहा है। चिकन बॉइल चिकन विद बेम्बू सूट। वेरी गुड। मानवी खा रहे देखो। खाना बढ़िया है, बहुत सारा आइटम है, मल्टीपल आइटम। लेकिन ये बॉयल चिकन में थोड़ी सा बहुत ही टेस्टी है। बॉयल चिकन ना, ओ ये वाला। चलो तो अब शुरू हम कहाँ से करें? पहले वेज खाते हैं फिर नॉनवेज से जाते हैं। अच्छा लग रहा है। देखो ये भूत जोलोकिया का पेड़। भूत जोलोकिया तुम तोड़ लो ना, थोड़ा सा घर में लगा लेंगे। ऐसे धीरे से उनसे ले लो, क्या होगा क्या बेटा? ओए ये कहाँ गांव में ले आई हो तुम भाई? हैं फील ने हील लें या रील लें? उतरोगे कहाँ से? आप पठार में तुमको उतारते हैं। उतरोगी कहाँ से? आओ ना, उतारते हैं। इतना सुंदर पठार है, देखो देखो। ये जब हरियाली थी, अभी तो खैर कट गया, तब तुम राइस पैडी में फील्ड में जा सकते थे। गांव वाला ऑथेंटिक एथनिक फील है। एथनिक फील आजकल हर जगह पे, ये जो लोकल कल्चर, लोकल फूड एक्सप्लोरिंग करना आजकल ज़्यादा चल रहा है। नहीं, खाना अच्छा था, मज़ा आ गया। खाना सिंपल था, मतलब कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं था। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं। हमें मन करता और खा, लेकिन पेट बिल्कुल टाइट। हमको ऐसे ही ज़मीन चाहिए। हाँ, ऐसे ही ज़मीन समझ लो, यहाँ से यहाँ जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक अपनी ज़मीन हो। उसके लिए कितना एकड़ में लेनी पड़ेगी, हेक्टेयर में, बीघा, कट्ठा, किसमें? जो भी वीडियो देख रहे हैं और डिब्रूगढ़ के आसपास से जो अपना ज़मीन बेचना चाहे, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मनीष। हाँ, आई एम रेडी टू बाय। बजट बड़ा नहीं है लेकिन ज़मीन बड़ी होनी चाहिए। तो कहीं बजट बड़ा नहीं है, ज़मीन बड़ी है। हाँ, ऑब्वियसली कहीं भी थोड़ा दूर ही लेंगे, डिब्रूगढ़ के अंदर थोड़ी लेंगे। बेंगलोर वाले प्राइस पे थोड़ी लेना मुझे। तुमने रिजॉर्ट खोलोगे? है अरे रिजॉर्ट क्या, हम खुद की अपनी फार्मिंग करेंगे, हम खेती करेंगे। बहुत हो गया सॉफ्टवेयर वाला काम, IT का काम। हाँ, मुर्गे पालेंगे, बतख पालेंगे, मामा वाला तुम्हारा कल्चर फॉलो करेंगे, लेकिन बढ़िया बड़ी ज़मीन, ट्रैक्टर अपना होगा। क्या करना अभी चलते हैं, इतना खाने के बाद अब तो बेड ही नजर आता है। सही बात है। अभी अपनी एनिमल मूवी भी रह गई है। रात को मानवी ने सब हमारे ग्लासेस को छनका दिया था, ऐसा खींचा कि सब पूरा घर भर बिखर गया, दो दो ग्लास। अब इसके बाद कहीं पान मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो तामुल मिलेगा, नहीं पान तामुल नहीं, नहीं लखनऊ वाला पान, तामुल पान मिलेगा। लेकिन देखो लखनऊ वाले पान का ही बिजनेस यहाँ बहुत चलेगा, मैं बता रहा हूँ। जब तक पान लखनऊ से यहाँ पे पहुँचेगा, अरे नहीं, वहाँ का आदमी पहुँच जाएगा ना। मटेरियल सोर्स करवाना पड़ेगा वहाँ से। लखनऊ का आलू माने लुका मला से गुत्ते मलमला ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, जो चटनी उधर की मशहूर है, जो पान में ऐसे ऐसे मिलाते हैं ना चटनी, उसको कुछ तो बोलते हैं, भूल गया नाम। नहीं, वो मस्त होता है। पहले देख लो, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, बच्चा लग रहा फॉर्च्यूनर तो है, वो पूरा बच्चा लग रहा है। जो भी, अभी तो मैं ब्रांड वैल्यू, महिंद्रा एंड टोयोटा ब्रांड वैल्यू है। देखो, आई स्टिल लाइक महिंद्रा। तुम महिंद्रा एंटी हो, मेरे को तो पसंद आ रही गाड़ी, उनकी अच्छी है ना। अरे सर्विस क्वालिटी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, चलता है। आई लाइक महिंद्रा कार्स, आई एम अ बिग फैन, पल्लवी इज नॉट। What is this? Oh, what is this? Drone. Drone. चाय कॉफी है, कुल्हड़ वाला है ना, तो जैसे तंदूरी चाय बनाता है वैसा है, तंदूरी फ्लेवर। ओ अच्छा, इसी से लॉन्डिंग गए थे ना, लॉन्डिंग इधर से आए थे। करेक्ट। ये तो छोटा रास्ता था मोरान के लिए, मरोल घर। बढ़िया। तो ये एक्चुअली नई गाड़ी की ट्रीट थी। बढ़िया लगा एज अ पैसेंजर, अच्छा लगा। ये बात तो सही है। दांत निकला है कुटुर कुटुर का 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 का। गुड गर्ल। सो आज फिर से बनेगा हमारा सत्तू और चोखा, यानी लिट्टी और चोखा। तो सत्तू के लिए सारा प्रिपरेशन। ज्योति क्या क्या डाला इसमें? प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक, अजवाइन, नमक, तेल। तेल पूरा सत्तू को भून लिया ना? हाँ। और ये नींबू है, नींबू भी पड़ा इसमें। हाँ। बैगन भून गया, टमाटर भून रहा है। सो ये है अपनी लिट्टी, क्या मस्त स्टीम हो गई है। अभी इसको क्या करोगी? इसको फ्राई करोगी ना? हाँ, इसको भी भूनने होगी। ये हमारा पानी बॉईल हो रहा है और चिकन का थोड़ा सा विदाउट ऑयल बनाएंगे, ड्राई फ्राई टाइप का। बोले देख रहे हो क्या मस्त। तो ये देखो ना कितना हेल्दी आइटम है, पूरा इसमें कोई तेल नहीं। सब ये तुम्हारा चोखा का आइटम सारा, और ये तो लिट्टी बाकी बची है, और जो चिकन भी है वो भी विदाउट ऑयल, त्रिपुरा स्टाइल। सब कुछ लहसुन, अदरक, मिर्चा और प्याज भून के, दोनों मिर्चा, लाल मिर्चा, हरा मिर्चा कूट के और पानी में बॉईल करके चिकन को पूरा ड्राई करके, काली मिर्च, नमक और ये बस कुटा हुआ। बस क्या मज़ा। साथ में अपना आनंदित पेय जो आनंद देता है, स्वर की प्राप्ति कराता है थोड़े क्षणों के लिए, उसको साथ में पेयजल हमारा जो है। आलू डाल दिया ना इसमें, भरता ये हो गया। ये किसमें डालोगे? देख भून के डालेगा ऐसी कच्चा? हाँ, ये बढ़िया लगा। तो इसमें हो गया लहसुन, अदरक, मिर्चा और लहसुन, अदरक और दो तरह की मिर्चें। हाँ बस डाल दो इसमें। चिकन में हमने खाली आमचूर डाला था, काली मिर्च पिसी और नमक। अब आएगा टेस्ट मस्त। अब इसको बिल्कुल ड्राई करना है। क्या हो रहा है लड़की? ये क्या किया? What's this? What are you doing, Manvi? What are you doing? Give it to me. Give it to me. Give it to me. Love. Give it to me. Hey, ja. दूसरा दो. Give it. That one. That one. Ah, this one. Give it to me. Ah, thank you. Thank you. One more. दादा थैंक यू, दादा थैंक यू। नाउ यू टेक इट बैक। ये नहीं, अब ले लो तुम, हम नहीं चाहिए मुझे। मानवी टाटा टाटा। अभी देखो तुम्हारी गाड़ी ब्लैक लग रही है ना? वही फायदा है इस कलर का। क्या फायदा है? मतलब दिन में ग्रीन लगती है, रात को ब्लैक। एवरेस्ट ग्रेनेड घूम रहे थे हम लोग, बाद में मूड चेंज कर दिया है ना। अभी वाइट भी अच्छा लगता है। करेक्ट। और इट्स यू। बाय बाय। ये एड्रोनॉक्स ये की कमांड बोर्ड यूज करिसन है। सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। लेना नहीं है वो भाई, फ्री है। हाँ वो तो फ्री है। सब देखा है, गाड़ी स्टार्टेड, पैसेंजर इज नॉट विद सीट बेल्ट। मतलब अगर तुम घर पे हो और ये कहाँ कहाँ गया वो सब पता चल जाएगा तुमको घर बैठे बैठे। बैटरी ज्यादा खाता है ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ। अरे छोड़ो ना, क्या बैटरी फीचर यूज, क्योंकि वो केवल एक साल के लिए फ्री है, उसके बाद से पैसा देना पड़ेगा। 5000 रुपीज 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 5000। हाँ अभी कुछ 2499 कुछ डिस्काउंट चल रहा है। उसका आदत ही क्यों लगाना है? अगर मैं लिस्ट देखा था, लिस्ट है ना, मैनुअल में लिस्ट लिखा हुआ है क्या क्या चीज, वहाँ से पता चलेगा। हाँ तो मैंने सोचा ये पहले कभी चाहिए नहीं था और एक साल के बाद फिर इसको पैसा देना पड़ेगा, तो आदत लगा नहीं क्यों ऐसा पैसा देना पड़ेगा। चलो ठीक है, आराम से आना और अच्छी बाय बाय। मैसेज कोई पापा लगा ओके। देखो अभी तो नंबर नहीं आया, हम लोग कर्नाटका में सब नंबर हो जाता है, सर हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा लेट होता है, वहाँ बिना नंबर के देते ही नहीं गाड़ी। या मैं तो यही कोट है, कितना दिन तो नहीं आता है कोई कभी। पिक्सी को निकाले, चलो बढ़िया हो गया है, अच्छा लगा। पिक्सी को निकाले, अरे अभी छुट्टी हो तुम जेल से। तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, ऑथेंटिक आसामीज खाना खाया, फिर बाद में घर में आके फिर लिट्टी चोखा भी बनवाया। सो थैंक यू अदित फॉर द न्यू कार पार्टी, बहुत ही बढ़िया रहा आज का ट्रिप। हमारी गाड़ी अभी तक नहीं आया, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग की गाड़ी थोड़ा सा लड़ गई थी और उसमें जो हम लोग के डिब्रूगढ़ सर्विस सेंटर में वहाँ पे बॉडी शॉप में खड़ी है। पार्ट्स 2 बार आए, 2 बार डेंटेड आए, फिर हम लोग ने एस्केलेट किया इशू। इवन ट्विटर में और इंस्टाग्राम में भी आप अगर आप हमारे से कनेक्टेड है तो पोस्ट देखा होगा। तो हम लोग को महिंद्रा से कॉल आया है, बोले हैं कि डोंट वरी वी विल फिक्स योर कार। बाहर से पेंटिंग के लिए भी बुला रहे हैं इट सिम्स। सो लेट्स सी कब तक गाड़ी मिलती है और कब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं ऑन रोड। लेकिन हाँ, जब तक नहीं गाड़ी है तो हम लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, उसलिए आपको कोई ट्रैवल वीडियो नहीं देख रहा है, वही नॉर्मल होम ब्लॉग और दुनिया जान ब्लॉग दिख रहा होगा। एनीवेज, तो आज का ट्रिप हम लोग को अच्छा रहा। थैंक यू उदित एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार। No doubt Mahindra Scorpio N is a very good car, लेकिन just that Mahindra का सर्विस थोड़ा सा not up to the mark। जितनी लाख के गाड़ी आप खरीदते हो, इतना पैसा खर्च करते हो अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन वही सर्विस आपको जब नहीं मिलता है तब आपको बुरा लगता है। वैसे मनीष वॉज वेरी लकी, क्योंकि जब महिंद्रा हम लोग ने XUV 500 खरीदी थी तब खैर इतना इश्यूज़ नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। नॉर्मल बस सर्विसिंग के लिए गाड़ी गई थी और वी वर हैप्पी। बट जब स्कॉर्पियो एन मेरे नाम पे मैंने ख़रीदा था और फिर अभी जब इश्यूज़ आ रहे हैं और जब सॉल्व नहीं हो रहा है और फिर हम लोग को मतलब बार बार फॉलोअप करना पड़ रहा है महिंद्रा के साथ, देन वी आर लाइक रियलिटी पता चल रहा है कि हाँ सर्विस सही में ख़राब है महिंद्रा। सब लोग बोलते हैं कि वही है इंडियन मेड कार्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सर्विस वो लोग दे नहीं पाते हैं। सो वही है, होपफुली दे विल इम्प्रूव एज द टाइम पासेस, क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी है तो ऑब्वियसली सर्विस भी अच्छा होना चाहिए। सो लेट्स सी कब तक हम लोग को गाड़ी मिलती है और जो हम लोग चाह रहे हैं अपना एक्सपेक्टेशन के साथ वो हमको गाड़ी अपना डिलीवर करते हैं और हम अपने आगे की ट्रिप्स पूरी करते हैं। वी डोंट वांट टू, ये नहीं हम लोग को चाहिए कि अरे इस कारण से हम लोग महिंद्रा जो हम लोग की स्कॉर्पियो है बेचे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग चलाएं और भी ट्रिप्स करें, लद्दाख घूमें, स्पिति घूमें फिर से इस गाड़ी के साथ। सो आई जस्ट होप एंड ऑल्सो वी रिक्वेस्ट महिंद्रा टीम कि हम लोग की गाड़ी आप टॉप क्लास कंडीशन में वापस करें और हम लोग ऑन रोड हुए और फिर आगे की ट्रिप्स कंटिन्यू करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। मानवी बाय, देखो बाय बाय पे इधर देखती है लड़की, सब समझती है।